तो पिछले 30 सालों से लालू प्रसाद जी ने यादव वोट से अपनी राजनीतिक रोटी सेकी, केवल वोट बैंक बना के रखा उसको, लेकिन जब यादवों का उत्थान का समय आता है तो उनको अपना परिवार दिखता है। उसी तरह सनातन को गाली बकते हैं, उनके जो विधायक थे फतेह बहादुर, उन्होंने क्या क्या नहीं किया देवी देवताओं के बारे में, उनके जो मंत्री थे शिक्षा मंत्री, उन्होंने क्या नहीं कहा रामायण के बारे में, कहा पोटासियम साइड रामायण, और अभी अब चले हैं भगवान का दर्शन करने, तो भगवान इसको स्वीकार नहीं करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी, उस वक्त तो लालू यादव इसकी आलोचना कर रहे थे, लेकिन अब जब उनकी बेटियां चुनावी मैदान में उतरने वाली हैं तो लालू यादव ईश्वर की शरण में पहुंचे हैं, यह आरोप है भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा का। जी हाँ, आपको बता दें कि लालू यादव आज अपने परिवार के साथ अपनी बेटियों मीसा भारती रोहिणी आचार्य के साथ हरिहरनाथ मंदिर पहुंचे थे, भोले बाबा की पूजा अर्चना की पूरे परिवार ने। इसके बाद से भाजपा अब ये सवाल उठा रही है कि जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब लालू यादव इसकी आलोचना कर रहे थे, राजद के तमाम जो नेता हैं वो रामलला को लेकर, कभी रामायण को लेकर, कभी रामचरितमानस को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करते थे, लेकिन अब अपनी बेटियों को चुनाव लड़वाने के लिए लालू यादव भोले बाबा के पास क्यों पहुंचे हैं, ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा। इस मुद्दे पर लालू यादव पर निशाना साधते हुए और क्या कुछ कहा है, पहले आप ये बयान सुने। देखिए, लालू प्रसाद यादव जी तुष्टिकरण के लिए किसी भी हद तक चले जाते थे। राम मंदिर का न्योता आया, उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया, जो करोड़ों हिंदुओं के आस्था से जुड़ा हुआ विषय था उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया, और मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए वहाँ नहीं गए। अब जब उनकी बच्ची जा रही है चुनाव लड़ने के लिए छपरा से, तब वो जा रहे हैं हरिहरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने। इस तरह के नेता को बहुरूपिया कहा जाता है, जो क्षण में तोला क्षण में मासा की तरह बदलते रहते हैं। तो लालू प्रसाद जी का कोई मोरल तो है नहीं। अब एक चीज़ मुझे बताइए, जो छपरा की बेटी थी उनके बड़ी बहू, उसका क्या किया जो अपने बेटी को उन्होंने भेज दिया छपरा लड़ने के लिए? अगर आपको सबको समान करना था तो छपरा की जो उनकी बेटी थी, छपरा की बेटी है वो ऐश्वर्या, और उनकी पुतोह भी है, तो उनको क्यों नहीं लड़वाया उन्होंने? तो वो अपने जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, उनकी बेटी उनका बेटा वही उनका परिवार है। अब पप्पू यादव को जिस तरह से वो अपमानित कर रहे हैं, वो भी यादव समाज से आते थे। तो पिछले 30 सालों से लालू प्रसाद जी ने यादव वोट से अपनी राजनीतिक रोटी सेकी, केवल वोट बैंक बना के रखा उसको, लेकिन जब यादवों का उत्थान का समय आता है तो उनको अपना परिवार दिखता है। उसी तरह सनातन को गाली बकते हैं, उनके जो विधायक थे फतेह बहादुर, उन्होंने क्या क्या नहीं किया देवी देवताओं के बारे में, उनके जो मंत्री थे शिक्षा मंत्री, उन्होंने क्या नहीं कहा रामायण के बारे में, कहा पोटासियम साइड रामायण, और अभी अब चले हैं भगवान का दर्शन करने, तो भगवान इसको स्वीकार नहीं करेंगे, उनका जो सजा मिलना है वो मिलेगा। आप सुन रहे थे भाजपा प्रवक्ता जमकर लालू यादव और राजद पर निशाना साध रहे थे। एक और उन्होंने ये सवाल भी खड़े किए कि अगर बेटियों को ही आगे बढ़ाने की बात है तो उन्होंने अपनी बहू ऐश्वर्या, जो कि तेज प्रताप यादव की पत्नी थी, उनके साथ ऐसा अन्याय क्यों किया? ये लोग बेटियों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं लेकिन अपनी बहू के साथ ही अन्याय करते हैं। इस तरीके ये सब कुछ जो करते हैं लालू यादव और उनके परिवार वाले, जो जनता है सब खूब समझ रही है। साथ ही आपको एक बार फिर बता दें, लालू यादव मीसा भारती रोहिणी आचार्य राबड़ी देवी के साथ हरिहरनाथ मंदिर पहुंचे थे, उनकी दोनों बेटियां इस बार चुनावी मैदान में उतर रही हैं, लोकसभा चुनाव में लड़ने वाली हैं, इसी के लिए आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। तो अब भाजपा ये सवाल खड़े कर रही है कि अब क्यों लालू यादव ईश्वर के शरण में पहुंचे हैं, जब जनवरी के महीने में अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तब तो ये लोग आलोचना करते थे, इनके राजद के जो तमाम नेता हैं, चाहे वो पूर्व शिक्षा मंत्री हो या फिर अन्य नेता विधायक हो, ये लोग लगातार अपमान कर रहे थे, कभी रामलला का, कभी रामचरितमानस का। इस मुद्दे पर जोरदार निशाना साधते नजर आए भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा, और क्या कुछ कहा ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।